चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में हैं, जिसके इंतजार में आप घड़ियों से, साथ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी उमेश सिंह लोहान जी, बहुत बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, साथ में फखरुद्दीन साहब एडवोकेट नोहू से, सलामो कुरैशी जी, हाजी सौराब जी, तैयब हुसैन घसेड़िया जी, और बहुत ही जुझारू और बहादुर हतीम बगल के हलके से हमारे तैयब हुसैन भीम सिका जी, इब्राहिम पहलवान जी, हमारे सराफत के प्रतीक एक्स एमएलए चौधरी हबीबुर रहमान जी, मुबीन जी पार्षद हैं, साथ में हमारे जयकम जी, इरफान जी, और इस सम्मान समारोह के संयोजक भाई मकसूद पार्षद जी, उसके साथी मुबीन सरपंच झारोकड़ी, सब्बीर सरपंच झारोकड़ी, सॉरी नाम हो गया, सब्बीर पहलवान मढ़िया की, और इलाके के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, बहुत सारे सरपंच बैठे हुए हैं पीछे दिख रहे हैं मुझे, साइल वगैरह लफूरी का सरपंच है, साइल है, नहदा से है, कोई बात नहीं, सबका नाम नहीं ले सकता, साहब लेट हो गए थे किसी कारणवश और जाना भी जल्दी है। साथियों, ये सम्मान समारोह नहीं, ये परिवर्तन समारोह भी है। आपकी शक्ल, आपकी आंख है, और ये नौजवान साथी खड़े हैं, मैं समझ रहा हूं, ये इस बात को बता रहे हैं कि इधर खाई है, इधर कुआ है, न खाई में जाना है न कुआ में जाना है, और परिवर्तन लाना है। आपने आज मैं देख रहा हूं युवाओं की बहुत ज्यादा तादाद, युवा जब मन बना लेता है तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल देता है। आज युवा बहुत खुशी और गर्व का दिन है हमारे लिए कि मेवात का युवा आज इस बात का सबूत है कि हम जाग गए हैं, हम समझ गए हैं कौन सही है कौन गलत है। साथियों, पार्टी के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं, ये मढ़िया की गांव, ये नीम का गांव, जहां 30 साल तक एक फसल का दाना नहीं हुआ करता था, फलत रहा करता था, मढ़िया की में 5-5, 6-6 फुट पानी हुआ करता था मेरे सामने, लेकिन ताऊ देवीलाल की सोच ने उजीना ड्रेन आपको दिया, आज उससे फलडी खत्म नहीं हुआ, सिंचाई के भी लाखों एकड़ जमीन आज उससे होती है, पीने का पानी आपको दिया, पेंशन आपको दी, कर्जा माफी आपका किया, जो भी, और सच्चाई ये है जो हरियाणा बनाया है ना पंजाब से काट के, ये भी ताऊ देवीलाल ने बनाया था। लोग यूं कहते थे कि ताऊ देवीलाल खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए हरियाणा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब हरियाणा बनवा दिया तो पहला चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो बुजुर्गो और नौजवान साथियों, बदलाव लाओ, आप देख रहे हैं, आपने सब देख लिए, मैं एक लीडर के बारे में बताऊं तो अच्छा नहीं होगा, सरकार को बदलना है। युवा साथियों, आप जिस तरह से आज आ गए हैं, आप मन बना लो, रिकॉर्ड उठा लो, जब भी बच्चों की नौकरियां लगी हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, तब देवीलाल के राज में नौकरियां लगी हैं। मेवात को जिला बनाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, जितने भी यहां जन कल्याणकारी कार्य किए वो इनेलो पार्टी ने किए। तो साथियों, मेरी ज्यादा लंबा चौड़ा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आप ईमानदारी से चौधरी अभय सिंह जी भावी मुख्यमंत्री, निश्चित कोई परंतु किंतु नहीं, इंशाल्लाह अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। आप हाथ उठाकर आज आप सभी साथी और बुजुर्ग नौजवान साथी उस रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे, इसके लिए भी आप हाथ उठाएं और हमारे नेताजी को आश्वस्त करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो पार्टी के सारे कर्ता, यहाँ पे जितने भी मेरे छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी जो यहाँ पे आए हैं, अब उनको पता तो है ही किस लिए यहाँ जमा हुए हैं,
भाई ये एरिया दुखी है, बिल्कुल बिल्कुल दुखी है। और चौधरी देवीलाल के कामों को आपको पता है। अब मैं इतना बड़ा वक्ता तो हूं ना, मैं तो यही कहूंगा ये शेर है हरियाणा भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पे आपके बीच में है। और सारे भाई यहाँ से जुड़ जाओ, हमारी जो टीम है वो सारी इंशाल्लाह जुड़ चुकी है, ठीक है। और अब शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला आएंगे, क्योंकि वक्त कम है, जिसका इंतजार था वो आएंगे।